आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में मणिपुर में महिलाओं के साथ गैंग रेप और सरेआम निर्वस्त्र किए जाने के खिलाफ काला दिवस मनाया गया। दिनांक 25 जुलाई 2023 को मणिपुर में जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ हुए सामूहिक यौन हिंसा के खिलाफ भारत माता मंदिर वाराणसी पर दखल संगठन द्वारा काला दिवस मनाया गया तथा भारत माता मंदिर से सिगरा थाना, आईपी मॉल, साजन चौराहा होते हुए सिगरा परिक्षेत्र में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। काली पट्टी बांधकर महिलाओं ने प्रतिरोध मार्च में हिस्सा लिया। मणिपुर में पिछले 3 महीनों से आग लगी हुई है और हिंसा जारी है। हिंसा में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को शर्मसार किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर हिंसा पर चुप्पी की वजह से महिलाओं को लगातार अपमानित होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को तत्काल वहां शांति बहाल करने के लिए एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वह दूसरे राज्यों का जिक्र करके हिंसाग्रस्त मणिपुर से ध्यान भटकाने की कोशिश किए। राष्ट्रीय महिला आयोग को सूचना थी कि मणिपुर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी सरकार ने मणिपुर हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो भी कार्रवाई हुई वह खानापूर्ति साबित हुई। पिछले 80 दिनों से मणिपुर में हिंसा और आगजनी के बीच सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने पद पर बैठे हुए हैं, उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री ने नहीं मांगा, ये कितनी शर्मनाक बात है। असंख्य लोगों के घर और गांव जला दिए गए और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। भाजपा को लाखों लोगों के जीवन की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस घटना के कारण पूरे देश के लोगों का सिर नीचा हो रहा है, उस घटना पर भी कोई राजनीति कैसे कर सकता है। कुछ घटनाओं की प्रकृति भिन्न होती है, इसी निरसनता के तुलना किसी दूसरी घटना से नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री को संसद में इसका जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची के साथ सामूहिक यौन हिंसा होती है। इस हिंसा की वजह धार्मिक नफरत थी, इसे झुठलाने की कोशिश की जाती है। भाजपा के नेताओं द्वारा आरोपियों के पक्ष में तिरंगे के साथ जुलूस निकाला गया, यह पूरे देश का अपमान था। 21 साल पहले गुजरात में दरिंदों ने गर्भवती बिल्किस मानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई, इसमें उसके 3 साल की बेटी भी थी। कानूनी कार्रवाई के बाद अपराधी को सजा मिली, लेकिन भाजपा के मंत्री नेता ने अपराधियों का बेल कराया और फूल माला से स्वागत किया। यह सब बिल्किस बानो के घर के ठीक सामने हो रहा था। हाथरस में भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया, इससे पूरा देश एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उस लड़की के शव को पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया, जिस वक्त यह दुस्साहस किया जा रहा था उस वक्त पीड़िता के परिवार को उनके घर में ही कैद रखा गया था। भाजपा की कार्यशैली और नीति महिलाओं के खिलाफ ही होती है। भाजपा की राजनीति नफरत और बंटवारे की राजनीति है। ऐसे में भाजपा सरकार मणिपुर में शांति बहाल करेगी, ऐसी उम्मीद करना बेमानी है। सभा का संचालन मैत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीति, इंदु, शबनम, सना रैनी, शिवांगी, मैत्री, अदिति, रंजू, सोना, माला, शर्मिला, काकसा, रंजू, प्रियंका, शर्मा, निहारिका, गोल्डन, जन्नत, रजनी, शांति, टीम पीकेएम, अनन्या, नंदलाल, धनंजय, धीरज, विवेक, शांतनु, रणधीर, धीरज, राम धीरज, चंद्र पाल जी, संजीव सिंह, सिस्टर फ्रेंसिका, सिस्टर फ्लोरिन, महेंद्र, फादर आनंद, फादर मैजिक इत्यादि लोग शामिल थे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। सृष्टि बीज का नष्ट हो,
सृष्टि बीज का नाश न हो हर मौसम की तैयारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए हो ठोंके, कल का गीत लिए हो ठोंके। आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो हर मौसम की तैयारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।